अस्सलाम वालेकुम। ये बहरिया टाउन है, कल ही इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है और ये जितनी भी पब्लिक आप देख रहे हैं ना, यहाँ जो बेचारी खड़ी होकर सर ये दीवारों की तस्वीरें ले रही हैं, इंक्लूडिंग मी एज वेल, ये देखें सब जो अपने बच्चों को लेकर आए, ये बेचारे इसलिए हैं कि ये 1500 रुपये बेचारे 1000 रुपये का पेट्रोल जला के कराची से यहाँ बहरिया टाउन आए कि इन बेचारों को जो है ना एक एंटरटेनमेंट मिलेगी। और अब मैं दिखाता हूँ कि ये बहरिया वालों ने जो मजाक किया है ना पूरी कराची आवाम के साथ, आप जरा ये देखें, ये देखें एडल्ट्स की एंट्री की, यानी कि माँ बाप अगर एक बच्ची के साथ आते हैं तो एडल्ट्स के पर पर्सन 4000 ये चार्ज कर रहे हैं, बच्चों के 3000, यानी कि अगर एक फैमिली है वो बेचारी आई है कि वीकेंड को अपने फैमिली को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करवा दे, तो उन लोगों को जो है ना अगर हस्बैंड एंड वाइफ और एक छोटी सी बच्ची है तो दे नीड टू पे अराउंड 11000 जस्ट टू गेट इनसाइड दिस बुलशिट एंटरटेनमेंट हाउस जो इन्होंने पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए क्रिएट की। और यहाँ जब मैंने रिसेप्शन पे इनसे बात की कि ये राइट्स तो हम बच्चों को जुलाते हैं, हमें माँ बाप को थोड़े राइट्स लेने हैं, तो कह रहे हैं सर ये दुबई स्टैंडर्ड का है और सिर्फ एंट्री जो है ना वो 4000 की होगी, मतलब बच्चों से ज्यादा बड़ों के एंट्री के पैसे हैं 4000 पर हेड, 3000 पर हेड। अब मुझे नहीं समझ में आता ये कौम और ये मुल्क किस जानिब जा रहा है और ये मुल्क एक्चुअली बनाया किन के लिए जा रहा है, ये मुल्क क्या ये सिर्फ दो तबकात के लिए बनाया जा रहा है और अमीर और गरीब का फर्क यहाँ वाजे है, यकीन जानिए अपर मिडिल क्लास भी यहाँ खड़ी है, ये देख सकते हैं ये सारे लोग हैं जो बेचारे अपनी फैमिलीज को लेके संडे के दिन बहरिया आए कि इंटरटेनमेंट करवाएंगे और ये सब सर को जा रहे हैं बेचारे, यहाँ जाके इनको पता चला कि द सो कॉल्ड ग्रैंड ओपनिंग इज आस्किंग फॉर 4000 पर हेड फॉर एडल्ट्स एंड 3000 पर हेड फॉर किड्स, सो वेलकम टू नया पाकिस्तान।